Dr. Geeta, are you excited? Are you excited? Yeah, I am so excited. Assalamualaikum friends, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, एक नई सुबह के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बुर्ज खलीफा। आज हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा को एक्सप्लोर करने के लिए। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो बुर्ज खलीफा को दिखाने के लिए लोग आते हैं बाहर से, लेकिन आज हम पर्सनली जो है वो बुर्ज खलीफा को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएँगे कि अंदर क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है। यू सी डॉक्टर जीता, वेयर वी आर गोइंग टुडे? We are going Burj Khalifa, and you wanna add something? No, no, famous. No. You are very excited, right? Yeah. So she's. We will enjoy. We will enjoy, and we are very excited. And we have Harith, Sohira, and here we have Hasan. So we are going today with our hotel trips to explore Burj Khalifa. I'm going to give you further details that how to book your ticket, what is the cost, and we'll share with you all the information. So. Let's start our come down and get back to you guys. हमने जो टिकट की रिजर्वेशन करवाई है वो शाम को 8 बजे करवाई है, और सबसे पहले हम लोग जो है उन्होंने क्रॉसिंग के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो टिकट बुक करवाई है। आपको टाइमिंग मिलती है वेबसाइट के ऊपर, और आपकी मर्ज़ी आप कब जो है उसको बुक करवाते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। दुबई मॉल में थोड़ी सी बाहर बहुत गर्मी है, बाकी का सीन आपको तस्वीर करते हैं। दुबई मॉल के अंदर आ चुके हैं। टाइमिंग जो है हमारी हो चुकी है। हमने जो है वो टिकट बुक करवाया था 8 o'clock का, और जिसकी रिजर्वेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। हमें इसकी कॉस्ट 65 दिरहम पड़ी थी, इंक्लूडेड टैक्स। और आजकल ऑफ़र चल रही है होटलियर के लिए, जितने भी होटल के स्टाफ हैं उनके लिए ऑफ़र चल रही है, इसलिए हमें जो है वो ऑफ़र में 65 दिरहम का जो है वो टिकट मिला है। अगर आप लोग जो है वो नॉर्मली डेज़ में बुक करते हैं तो वो 200 और 250 की कॉस्ट देते हैं आपको, और इसका एक्सेस जो है वो 125 फ्लोर तक होता है। अभी हम क्यू में खड़े हुए, अंदर जाएंगे और बाकी का सीन जो है आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो एंट्रेंस पे आपको एक बहुत खूबसूरत जो है वो 3D में एनिमेशन में आपको जो है वो बुर्ज खलीफा नज़र आता है, जिस पे जो है वो पूरा 3D का काम किया हुआ है। बहुत अच्छी लाइटनिंग और उसके जो है वो डिस्प्ले चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। सो इंटरेस्ट बहुत यूनिक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप भी देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोग जो है वो अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं इन्होंने एक 3D जो है एलिमेंट बनाया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी जो है वो वाइब्रेशंस जो है ऑन द फ्लोर आपको देता है। इट्स लुक्स सो नाइस एंड यूनिक। और अभी जो है ऊपर की तरफ जाएंगे और बाकी का सीन आपके साथ शेयर करेंगे। वो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, और जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जो है वो काफ़ी अच्छी और यूनिक जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा एनिमेशन का इन्होंने काम किया हुआ था। अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर की हुई है, और काफ़ी अच्छी जो है वो लाइटनिंग का इन्होंने जो है वो रोल अदा किया हुआ है यहाँ पे। अभी फर्स्ट फ्लोर के बाद हम जो है वो सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, और उसके बाद जो है वो हमें जो है वो एलिवेटर लेके जो है ऊपर की तरफ जाएगी। सो काफ़ी रश है आज, काफ़ी लोग आए हुए हैं, और ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है वो डिस्प्ले यहाँ पे लगाया हुआ है। ये भी मेरी हो गई थी ना, ये भी पिछले हफ्ते। अब वो बस जल्दी डांस। लेकिन ये मेरे अच्छा ये पता है ये बेस स्टार्ट हो गया। Dr. Geeta, are you excited? Are you excited? Yeah, I am so भी हम लोग जो है वो एलिवेटर के सामने आ चुके हैं और ये ग्रुप में आपको ऊपर लेके जाते हैं। सो तकरीबन 8-9 बंदे जो है वो आपको एलिवेटर्स में ये ग्रुप वाइज आपको ऊपर लेके जाते हैं। अभी हम एलिवेटर के सामने खड़े हुए हैं। लुक एट दिस, कितनी फास्ट जो है वो ऊपर जा रही है। दुनिया की सबसे तेज़ एलिवेटर जो है वो ये कहलाई जाती है और इस पर आपको जो है वो बताया भी जाता है कि कौन से फ्लोर पर भी जो है वो एलिवेटर जा रही है। लुक एट दिस, नंबरिंग कितनी फास्टेस्ट जा रही है और टाइमिंग भी आपको नज़र आती है। सो इसके अंदर का फिर आपको सीन दिखाएंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं और 124 फ्लोर्स पे हम जाएंगे और वहाँ का भी आपको व्यू दिखाएंगे। सो वेरी एक्साइटेड, आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर आपको आप बाकी का सीन शेयर करते हैं। Stars. ब्रेक लगा दिया। 150, 190, 20, 21, 22, 23. कुछ नजर नहीं आता भाई। 24 जो है वो एलिवेटर से बाहर आ चुके हैं। यार मैं आपको क्या बताऊं कि आप जब जो है वो 120 फ्लोर जो आप ट्रैवल करते हैं ना बाई एलिवेटर, तो आपको फ़ील ही नहीं होता कि आप जो है वो 1 मिनट भी जो है वो आपने एलिवेटर के अंदर स्टे किया है। हमारे होटल में जो है वो टोटल 9 फ्लोर हैं। जब हम 9 फ्लोर तक जाते हैं तो बोर्ड हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो इतने अच्छे एनिमेशंस एलिवेटर के अंदर डाले हुए हैं कि इतने अच्छे इफेक्ट्स डाले हुए हैं कि आपको फ़ील ही नहीं होता कि आप जो है इतनी जल्दी आपका जो है वो ट्रैवलिंग सफ़र ख़त्म हो जाता है। आप जो है वो इतनी जल्दी जो है वो लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। सो बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर इन्होंने जो है वो डिस्प्ले डाला हुआ था जो कि इतना अच्छा व्यू दिखा रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। दैट वाज सो अमेजिंग और बहुत मज़ा आया मुझे। एक सीन हमारे साथ हो गया। आज जो है हमारी बैड लक थी और वेदर जो है वो बहुत गंदा है आउटसाइड का। आज जो है वो सैंडस्टॉर्म थी, दिन से थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि शायद वो ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हुई है। अभी हम लोग जो है वो 125 फ्लोर्स पे हैं और इसके बाद जो है वो टेरेस भी आपको 124 पे है। यहाँ से ग्लास लगे हुए हैं, ग्लास से आपने बाहर का व्यू देखना होता है, लेकिन वो क्लियर नहीं है क्योंकि बाहर जो है वो वेदर बहुत आप कह सकते हैं कि गंदा हुआ है क्योंकि डस्ट है बहुत ज़्यादा, तो इतना क्लियर नहीं है। सो अभी हम लोग जो है वो टेरेस पे जाएंगे, वहाँ से शायद आपको व्यू नज़र आए, लेकिन ये है कि आप ग्लास में आपको नज़र आता है लेकिन कैमरा में इतना क्लियर नहीं है। सो लेट्स सी टेरेस पे जाके वहाँ का व्यू देखेंगे। अगर वहाँ पे कुछ क्लियर हुआ तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यह कि आप आइज़ से देख सकते हैं बट कैमरे में वो क्लैरिटी नहीं है, वो आपको इतना व्यू जो है वो क्लियर नहीं है। सो यहाँ पे एक उन्होंने एक स्क्रीन लगाई हुई है जिस पे जो है वो आप रोटेट करके आप 3D का व्यू चेक कर सकते हैं बाहर में, और लोकेशन सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि बाहर जो है वो कैसा व्यू है। ये एक थोड़ा सा उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पर डाली हुई है। और लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें। और बाहर का व्यू आपको डे का भी नज़र आता है और नाइट का भी नज़र आता है। जब अगर आज तो साइंस स्टॉर्म में ऐसा व्यू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको जब आप आएंगे नॉर्मल डेज़ में जब वेदर क्लियर होगा तो आपको जो है वो ऐसा कुछ व्यू नज़र आएगा। सो हमारी जो है वो आज बैड लक थी, एनी हाउ होता रहता लाइफ में। लेट्स सी आगे देखते हैं टेरेस पे जाके क्या सीन है। और करो रोड पे करो। किसी को बोलना नहीं है, मजा नहीं आया। लोगों को क्या कि मजा आया। यहाँ पे ऊपर आपको जो है वो एक गेम स्टेशन मिलेगा, 3D गेम स्टेशन है ये, और इसके जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं और आप खेल सकते हैं। अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया बट मैं लाइफ में एक बार ज़रूर करूँगा, और सुना इसके बारे में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं कि आप ऐसा लगता है कि आप रियल में जो है वो गेम खेल रहे हैं। ऐसा मारना पड़ता है। बना रहा हूँ। ये इनका फर्स्ट स्टेप है, आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने जो है वो बुर्ज खलीफा स्टार्ट किया था। लुक एट दिस, ये इनका दूसरा स्टेप है, स्टेप 3। लुक एट दिस, फिर उसके बाद ये है स्टेप 4। आप बताएं कैसा लगा आपको? देखा हो तो अच्छा लगता, लेकिन कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो कैसा लगा आपको? कुछ भी नहीं है देखने के लिए, कुछ नहीं है, बस एक्सपीरियंस 0। नहीं, सैंडस्टॉर्म ना होता तो फिर व्यू क्लियर होता, फिर मजा आता, बहुत जेन्युइन लाइक ब्यूटीफुल होता। अच्छा, बट नाउ इज 0, नाउ इज 0। सो आप बताएं जी कैसा लगा अमन भैया आपको? तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, कुछ यूनिक देखने को मिला। थोड़ा खराब है इस वजह से, व्यू थोड़ा अच्छा क्लियर नहीं है, बाकी ये भी बड़ी बात है। 125 का हसन भाई पे जाएंगे। हसन भाई कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है, मज़ा आया, मज़ा आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ये लोग सारे जो है ना खड़े हुए हैं वापस जा रहे हैं। कैसा लगा आपको? मेरे को तो अभी क्या बोलूं, मार्केट में आया जैसा लग रहा है। आदमी लोग देखो, सब आदमी थक के बैठे हैं। अभी मेरा तो दिल कर रहा है इधर से कूद के देखूं कि उसके पीछे है क्या। मेरा साहब कैसा लगा? एटलीस्ट वी आर स्टैंडिंग इन 125 फ्लोर्स इन बुर्ज खलीफा। एटलीस्ट वी कैन से यस वी वेंट इन द बुर्ज खलीफा। हम कह सकते हैं कि हम बुर्ज खलीफा के अंदर गए। यस यस, दिस इज द स्पिरिट। सो पप्पू जो है बुक लेने लगा। पप्पू एक्सपीरियंस मिला थोड़ा, बुक को पढ़े और अपना ज्ञान बढ़ाए। चलने वाला है इधर से इतना 100 का बिल्डिंग नहीं दिख रहा है आपको, फाउंटेन दिखेगा वो दिख रहा है, ऐसे ब्लिंक कर रहा है ना फाउंटेन। अभी क्या टाइम है? ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। आप लोग अगर पिक्चर्स लेना चाहें तो यहाँ पे बड़ी अच्छी पिक्चर्स आती है, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम लोग जो है वो टेरेस पे आ चुके हैं। टेरेस से आके थोड़ा सा व्यू जो है वो क्लियर होता है और पता चल रहा है बाहर का व्यू। और यकीन माने कि ऐसा लग रहा है कि जो बिल्डिंग्स हैं ये आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये भी कम नहीं है, ये भी तकरीबन जो है वो 60 फ्लोर्स की जो है वो बिल्डिंग्स हैं ये। और बहुत छोटी लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सारी बिल्डिंग्स जो है वो क्लाउड्स में कवर अप हुई हुई हैं। वेरी नाइस व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है। टेरेस से अभी थोड़ा सा जो है वो क्लियर हुआ है व्यू। अभी पता चल रहा है कि हम कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं। ऊपर थे 126 फ्लोर पे, वहाँ पे मैं पता नहीं चल रहा था। टेरेस पे आके थोड़ा सा भी जो है वो क्लियर हो रहा है। सो कुछ पैसे पूरे हो गए अभी। ये सबसे अच्छी लोकेशन है ये वाली। मैं लगा नहीं पाऊंगी या अभी हम लोग 124 फ्लोर पे हैं। सो 125 फ्लोर भी है, 124 फ्लोर भी है। 125 फ्लोर्स पे आपको एक्सेस है, आप जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो है आपको टेरेस नहीं मिलेगा। जब आप 124 फ्लोर पे आएंगे तो आपको टेरेस मिलेगा। टेरेस से आप जो है वो बाहर का जो है वो व्यू देख सकते हैं। आपको ज़िंदगी के जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। सो जिसमें से एक मेरा जो है वो ड्रीम भी था कि लोग हमेशा जो है वो बुर्ज खलीफा को जो है वो बाहर से देखते थे। कभी कभी सोचता था कि यार मुझे भी अंदर जाने का मौका मिले। सो फाइनली वो दिन आया और मैंने इसको अंदर से एक्सप्लोर किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि आज जो है वो सैंडस्टॉर्म थी, उस तरह जो व्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आने वाले जो है वो अपने बच्चों को कह सकेंगे कि आपका अब्बू जो है इस बिल्डिंग के अंदर गया हुआ था। सो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।